भारत विकास परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत स्तरीय प्रथम कार्यशाला का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। कार्यशाला में परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री मुकेश जैन, प्रांत संरक्षक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय वित्त सचिव भारत भूषण जुनेजा, रीजनल मंत्री प्रमोद राम त्रिपाठी, डॉक्टर कविता शाह, डॉक्टर आरपी शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी व परिषद के सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला में भारत विकास परिषद द्वारा अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया तथा परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने कहा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने को तो कहा जा रहा है कि गोरक्षा का एक यहाँ के सदस्य जितनी शांति से आज आप सभी लोग तो बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय है कि आप लोग एक ऐसी महान संस्था के सदस्य हैं और उस संस्था के सदस्य ही नहीं है, आप चाहते हैं, आपके अंदर इस बात का लगन है कि वो संस्था का कार्य और आगे बढ़े, तभी आप लोग आज संडे का दिन होता है। हम लोग परिषद चाहता क्या है, परिषद यही चाहता है कि हम जो हमारे इलीट वर्ग के लोग हैं वो अपने आसपास के कम भाग्यशाली लोगों के प्रति संवेदनशील हों, उनके सुख दुख में खड़ा रहने का उनके अंदर भाव जागे और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। ये संगठन 1963 में, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, कि एक शाखा के रूप में दिल्ली में स्थापित हुआ और आज जो है 1430 शाखाएं पूरे देश में हैं और 68,127 परिवार उसके सदस्य हैं। कार्य की दृष्टि से इसको 7 रीजन और 71 प्रांतों में बांटा गया, जैसे एक प्रांत गोरक्षा प्रांत है, इसी तरह पूरे देश को 71 प्रांतों में बांटा गया है। मैं डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद रायबरेली से यहाँ पे आया हूँ। आज गोरक्ष प्रांत जो हमारे रीजन का नवीनतम एक वर्षीय प्रांत है, इसमें कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाबा गोरखनाथ जी की नगरी में और हमारी कार्यशाला का उद्देश्य इस प्रकार से कार्य करना है जिसमें कि भारत विकास परिषद को अच्छी प्रकार से समझ करके, इसकी रीति नीति को समझ करके, इसके दर्शन को समझ करके, इनके उद्देश्यों को समझ करके लोग कार्य करें और जितने भी कार्य निर्धारित किए गए हैं, चाहे भारत विकास परिषद के द्वारा किए जाने वाले संस्कार के कार्यक्रम हों जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन और बाल युवा महिला एवं प्रौढ़ संस्कार योजना हमारी भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में शाखाओं में संचालित की जा रही है, या सेवा के हमारे कार्यक्रम, चाहे वो दिव्यांग सेवा एवं पुनर्वास का कार्य हो, चाहे वनवासी कल्याण योजना हो जिसके अंतर्गत वनवासी भाइयों की सहायता आर्थिक रूप से और उनकी शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था भारत विकास परिषद के द्वारा की जाती है, इस प्रकार के सेवाएं करते हुए भारत विकास परिषद ये चाहता है कि हमारे जो प्रेरणा पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को और उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं को, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत विकास परिषद निरंतर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की सेवा करते हुए जिनको हमारी सेवाओं की आवश्यकता है वो सेवा करके उनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के प्रयास में रत है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत विकास परिषद के लोग अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे कुशल कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी प्रकार से वे लोग भी आत्मनिर्भर होकर के अपने से कमज़ोर वर्ग की सहायता करने के लिए आगे आवें और इस कार्य को हमारे आगे बढ़ावें ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अक्षुण बनी रहे और इसका हमेशा जो है वो आगे बढ़ती रहे, इसको प्रोत्साहन मिले और पूरे देश में एक ही प्रकार की जो है संस्कृति हमारी बनी रहे। हम जब किसी की सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, बल्कि हम ये मानते हैं
कि ये भारतीय संस्कृति में हमारा दायित्व तो है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों की सेवा करें और स्वयं उपकृत महसूस करें, स्वयं ओबलाइज महसूस करें।